नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी की क्लास क्लास सेवन्थ की चैप्टर नंबर 3। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी जो बदलती हुई पृथ्वी है उसके बारे में। तो दोस्तों, पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ने की कोशिश करी थी कि पृथ्वी के आंतरिक बल होते हैं और एक बाह्य बल होता है, एक बाह्य बल होता है। आंतरिक बलों का काम जो होता है वो स्थल के ऊपर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करना होता है, जैसे कि पर्वत, पठार और विभिन्न प्रकार की अन्य स्थलाकृति। वहीं पे बाह्य जो बल होते हैं उनका काम होता है जो आंतरिक बलों के कारण स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है उनको एकदम से समाप्त करना। बाह्य बल जो है वो आंतरिक शक्तियों को ख़त्म करने के लिए बने हुए हैं, यानी कि ये पर्वत है, ये पठार है, ठीक है, और यहाँ पे झील बनी हुई है, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं। जब बाह्य बल इनके ऊपर काम करते हैं तो पर्वत को यहाँ से काट कर इसको पठार बना देते हैं और पठार को यहाँ से काट के इनकी पहाड़ियाँ बना देते हैं और पहाड़ियों को बदल के ये समतल मैदान का निर्माण कर देते हैं। ये बाह्य बल होते हैं। अब इनके बारे में हम जानने से पहले हम ये जानने की हमने पिछली कक्षाओं में कोशिश करी थी कि पृथ्वी जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार की परतों से मिलकर बनी हुई है। वो परतें कौन कौन सी हैं, मुख्यतः हमने बात करी थी कि जो हमारी पृथ्वी है वो मुख्यतः 3 परतों से मिलकर बनी हुई है। इसको बोलते हैं क्रस्ट, यानी कि सियाल। दूसरी जो परत है इसका नाम है सीमा, यानी कि मेंटल भाग। तीसरी जो परत है इसका नाम है कोर, जिसको हमने नाम दिया था नीफे। ये 3 परतों की हमने बात करी थी। हमारी जो पृथ्वी है वो आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से क्या है, गतिशील है। गतिशील होने के कारण हमारी जो ऊपरी परत है जिसकी हमने बात करी थी, जो किससे, विभिन्न प्रकार की चट्टानों से मिलकर बनी हुई है, ये भी गतिशील है। ये जो परत है विभिन्न प्रकार की चट्टानों से मिलकर बनी हुई है। ये चट्टानें जो हैं ये क्या हैं, गतिशील है। क्या आपको पता है कि हिमालय की जो ऊंचाई है वो अभी तक भी बढ़ रही है? जो हमारा भारत, उत्तर भारत में हिमालय स्थित है, उसकी ऊंचाई जो है वो अभी भी बढ़ रही है। उसका जो मुख्य कारण है वो है पृथ्वी का गतिशील होना। इनको प्लेट बोलते हैं। ऊपरी जो हमारा जो क्रस्ट भाग है और ये मुख्यतः किससे मिलकर बना हुआ है, चट्टानों से। और जो मुख्यतः कठोर चट्टानें होती हैं और जो आकार में विस्तृत रूप में होती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं। जैसे हमारे साथ क्या है, महाद्वीप है, तो महाद्वीप अपने आप में प्लेट भी है, स्थल भाग का एक विस्तृत भूभाग जो दृढ़ चट्टानों से मिलकर बना है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं। और इस संपूर्ण प्रक्रिया को प्लेट टेक्टोनिक यानी कि प्लेट विवर्तनिकी नाम दिया गया है, यानी कि प्लेटों का प्लेट जो है वो संचलन करती है। प्लेट आपस में टकराती हैं, एक दूसरे से छूकर निकल जाती हैं और एक दूसरे के नीचे ऊपर चली जाती हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को प्लेट विवर्तनिकी नाम दिया गया है। अब हम बात करते हैं इन प्लेटों की और फिर उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं आंतरिक बल कौन से होते हैं और बाह्य बल कौन से होते हैं, इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम पढ़ेंगे प्लेट। ये यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला जो टॉपिक है वो है प्लेट। प्लेट, ये प्लेट क्या होती है? तो मैंने इससे पहले आपको बताया कि
पृथ्वी की ऊपरी परत परत जो दृढ़ चट्टानों से मिलकर बनी है। इन चट्टानों के विस्तृत आकार को हम प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें जो हैं वो गतिशील हैं। जब आपस में टकराती हैं तो विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया होती है, पृथ्वी के अंदर भी और पृथ्वी के बाहर भी। जब पृथ्वी के अंदर विभिन्न प्रकार की क्रिया होती है तो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। प्लेट आपस में टकराई, एक दूसरे के छोके निकल गई, एक दूसरे के नीचे चली गई, तो इनसे जो स्थलीय भाग है, जो हमारा सरफेस है, ये हमारा सरफेस है। यहाँ पे दो प्रकार की प्लेटें हैं, ये गतिशील करती हैं। ये हो सकता है ऐसे जाएं, अपोजिट भाग में जाएं, हो सकता है ये आपस में ऐसे एक दूसरे से टकराएं, हो सकता है ये छूके निकल जाएं। ज़रूरी तो नहीं है, ये किसी प्रकार से गतिशील है। इन्हीं से स्थल के ऊपर होने वाले विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण हो जाता है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्थलाकृतियां कहते हैं। ये स्थलाकृतियां आंतरिक बलों के कारण ही बनती है, और जब स्थलाकृतियों को समाप्त करने का काम कौन करते हैं, बाह्य बल करते हैं। बाह्य बलों में मुख्यतः जल, वायु और हिमानी का योगदान रहता है। जब ये स्थलाकृतियाँ वापस अपने उसी रूप में आ जाती हैं, यानी कि स्थलाकृतियाँ हट के वापस स्थल रूप बन जाता है, तो इनमें मुख्य योगदान जो होता है वो बाह्य बलों का होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम बात करते हैं आंतरिक बलों की और बाह्य बलों की। ये मुख्यतः कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम पढ़ते हैं आंतरिक बल और उसके बाद में जानने की कोशिश करेंगे बाह्य बल। तो आप इससे पहले आंतरिक बलों को नोट करें। अब हम बात कर रहे हैं पृथ्वी के अंदर होने वाले और बाहर होने वाले बलों की। ये दो प्रकार से डिवाइड है। पहले का नाम है आंतरिक बल कह दो, अंतर्जात बल कह दो, या बाह्य बल कह दो, या बहिर्जात बल कह दो। पहले को यदि इंग्लिश में बात करें तो इनको बोलते हैं इंडो जेनेटिक फोर्स, यानी कि पृथ्वी के अंदर होने वाले ऐसे बल जो पृथ्वी के अंदर होते हैं लेकिन उनका जो परिणाम होता है वो बाहर पृथ्वी के पड़ता है। वहीं बात करें, हम इनको बोलते हैं एक्सो जेनेटिक फोर्स। ठीक है, जेनिक का अर्थ है रूप में परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आंतरिक जो बल हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बाह्य बल हैं उनमें तो हवा, पानी और हिमानी का मुख्य योगदान रहने वाला है। यहाँ पे हम बात करें इंडोजेनेटिक फोर्स की, तो ये मुख्यतः दो प्रकार से डिवाइड है। पहले का जो नाम है इसको बोलते हैं आकस्मिक बल। इनको बोला जाता है सडन फोर्स। ऐसे बल जो एकदम से परिवर्तन लेके आते हैं, यानी कि अचानक होने वाले बल कौन से हैं, आंतरिक बल। एक होते हैं पटल विरूपण बल।
डायस्ट्रोफिक फोर्स, ऐसे बल जो मंद गति से परिवर्तन लाते हैं, यानी कि इन बलों में बहुत टाइम लगता है परिवर्तन आने में। मैं उदाहरण के तौर पे बात करूं तो ये भी मुख्य थे। पहले आकस्मिक बलों की बात कर लेते हैं। आकस्मिक बल जो हैं उनके कुछ एग्जाम्पल से आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है वो है ज्वालामुखी, वेलकैनो, वेलकैनिक वेपोरेशन। दूसरा जो है उसको बोलते हैं भूकंप। दूसरा जो क्रिया होती है वो होती है भूकंप, अर्थ क्वेक। तीसरे क्रिया की बात करें जिनसे आकस्मिक बलों के कारण जो क्रिया होती है, तो तीसरा जो है वो है भूस्खलन, लैंडस्लाइड। चौथा जो है उसको बोलते हैं एवलांस, एवलांस, एवलांस। ज्वालामुखी जो होती है ऐसी क्रिया होती है पृथ्वी के अंदर। ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, ये हमारा मेंटल भाग है। यहाँ से क्या होगा, जो लावा मैग्मा है वो लावे के रूप में पृथ्वी के बाहर निकलता है। और ये ज़रूरी नहीं होता, ज्वालामुखी और भूकंप जो होते हैं बताकर नहीं होते। तो इन बलों को कहते हैं हम आकस्मिक बल, यानी कि पृथ्वी के ऊपर और अंदर एकदम से होने वाले परिवर्तन कौन से हैं, आकस्मिक बल हैं। ज्वालामुखी जब उद्गार होगा इसी के साथ पृथ्वी में कंपन आएगा, कंपन को ही हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। लैंडस्लाइड क्या होती है, ये हमारी कोई पर्वत है, पर्वत का एक हिस्सा टूटकर या धंसकर नीचे आ जाता है, यहाँ पे बिखर जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड। हिमालय क्षेत्रों में लैंडस्लाइड सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। लैंडस्लाइड के अंदर अधिक बारिश होना या आर्द्रता अधिक होना या अन्य भी कारण हो सकते हैं। इसके बाद में पटल विरूपण बलों की बात करें तो इनको भी मुख्यतः दो प्रकार से बांटा गया है। एक बल है महादेशजनक, महादेशजनक बल, और एक होते हैं पर्वत निर्माणकारी बल। महादेशजनक बल जो होते हैं उनमें जो परिवर्तन होगा वो तीव्र गति से होगा, यानी कि नहीं, ये धीरे धीरे होंगे, और ये जो पर्वत निर्माणकारी बल हैं ये इनसे थोड़े से तीव्र गति से होंगे। इनसे जो है महाद्वीप और महासागरों का निर्माण होगा, वहीं पर्वत निर्माण से निर्माणकारी जो फोर्स है इनसे होगा पर्वतों का निर्माण। इनको भी हम यदि बांटें तो दो प्रकार से इनको बांट सकते हैं। इनको हम मुख्यतः दो प्रकार से बांट सकते हैं, ओरिजिन फोर्स, ठीक है। पहला जो है दबाव युक्त बल, युक्त बल। दूसरा है तनाव युक्त बल, एक से होगा तनाव और दूसरे होगा दबाव। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। महादेशजनक बल जो हैं उनको भी मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। पर्वत निर्माणकारी पहले दबाव से होंगे और दूसरे जो होंगे वो तनाव से। इसके बाद में दोस्तों महादेशजनक जो बल हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, ऊपरमुखी बल, अधोमुखी बल, यानी कि इनको बोलते